ओके गाइस, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन एलआरडीआई सेट। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, तो पहले 5-6 मिनट्स आप लोग ट्राई करना, उसके बाद आई विल गिव द सॉल्यूशन। ओके, सो ये सेट है, इसको पढ़ लो, पढ़ते हैं चलो। ईच डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इज रिप्रेजेंटेड बाई डिफरेंट लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, बट नॉट इन दिस ऑर्डर। ओके, further each of a plus b plus c, c plus d plus e, e plus f plus g, g plus h plus i is equal to 13। ये information हम लोग को दी हुई है इतनी, ठीक है। अब हम लोग को questions दिए हैं, find the value of e, e की value निकालनी है, what is the sum of c, e and g, ठीक है। ऐसे करके मतलब एक तरह से हम लोग को a से लेकर i तक का आइडिया लगाना है कि क्या हो सकती है वैल्यूज। ये गिवन है हम लोगों को कि ये हम लोगों को गिवन है कि ए से आई तक डिस्टिंक्ट डिजिट्स होंगी 1 to 9, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्लियर हुआ, ठीक है। तो 5 मिनट आप लोग लो और ट्राई टू सॉल्व इट, फिर 5 मिनट बाद सॉल्व करेंगे इसको। ओके, सेटिंग में देखो आप, हाँ बस अभी भी हुआ स्टार्ट। गाइस सबको आवाज आ रही है? 5 मिनट्स ले लो और ये सेट देखो, ठीक है। स्टार्ट करेंगे गाइस, ओके 2 मिनट में करते हैं स्टार्ट।
गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट, ओके डिस्कस करते हैं चलो। हाँ देखो, इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोग को बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, ओके आंसर मैच कर लेना, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन में देखो, ये एक ट्रिक है कि ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस डी प्लस सी, ई प्लस एफ प्लस जी, और सारे हम लोग को इक्वल दिए 13 के। तो उसे हम लोग कर क्या सकते हैं कि इन सबको ऐड करो, ठीक है, ऐड करके देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये हम लोग को दिया हुआ है, प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस जी प्लस एच प्लस आई, ये हम लोग का टोटल 52 होगा, क्योंकि एक 13 है, एक जो है पेयर 13 है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे रिपीट क्या क्या हो रहा है, व्हाट इज रिपीटिंग, ए प्लस ई प्लस सी और सी, तो सी यहाँ रिपीट हो गया, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जी, ठीक है ये। तो इसको हम लोग और ऐड करें, और हम लोग को पता है कि ए टू आई एवरीथिंग इज ऑल द लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब सबका एक नंबर है, ठीक है। सो इसको अगर ऐड करते हैं, ठीक है, आंसर मिला लेना बाद में, ठीक है, अभी सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको ऐसे ले सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई, ये एक तरफ लिख लिया, फिर जो रिपीट हो रहा है वो पार्ट अलग ले लो। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, प्लस सी रिपीट हुआ प्लस ई हुआ प्लस सी सी हुआ ई हुआ और जी हुआ, ठीक है, ये 52 हो गया। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आया यहाँ तक, क्लियर हुआ सबको? हाँ ठीक है, थोड़ा रिप्लाई करते रहना बीच में, ठीक है, पता नहीं चलेगा वरना कि आया कि नहीं। तो इसको आप क्या ले सकते हैं, ये 1 to 9 तक का सम है, तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, सो 9 इंटू एन बाई 2 हो गया 45, तो ये डायरेक्टली 45 हो गया, प्लस सी प्लस ई प्लस जी इज इक्वल टू 52। सो ये हमारा सी प्लस ई प्लस जी सीधे हमारा 7 आ गया, ठीक है, ये 7 आ गया। अब 7, अब हमें सी ई जी की वैल्यू देखनी है क्या हो सकती है, ठीक है। सुनील को डाउट है क्या? ठीक है, हाँ ठीक है। तो सी प्लस ई प्लस जी को हम लोग कैसे ले सकते हैं 7 के फॉर्म में, सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो अगर सी को 1 रखोगे तो ई प्लस जी कितना हो जाएगा, 6, और हाँ हाँ ई प्लस जी 6 हो गया। अब एक ही ऑप्शन हो सकता है ई और जी का, 2 और 4, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट पेयर्स तो आएंगे 1, 2 और 4, बट इसके अरेंजमेंट्स होंगे 3 factorial वेज में, तो 6 वेज बनेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं क्या क्या वेज बनेंगे, या तो इसी को ही क्या 45, ओके हाँ श्योर। देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई, ये पूरा हमारा बोला गया है कि 1 से 9 तक सबको एक ना एक लेटर रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब समेशन ऑफ फर्स्ट एंड 9 नेचुरल नंबर्स का सम है ये, ठीक है। और समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, तो एन यहाँ पे 9 है, तो 9 इंटू 10/2 45, तो भी हम डायरेक्टली 45 लिख दिए, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ चलो, तो यहीं पे इसको शायद वो कर देते हैं, इरेज कर देते हैं स्टार्टिंग वाला थोड़ा, चलो नेक्स्ट लाइन चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए अब लोग, यहाँ पे देखते हैं सी ई और जी के क्या क्या हो सकते हैं पेयर्स। एक तो 1 to 4 निकाला ही था हम लोगों ने, ठीक है, और हमारा दूसरा हो सकता है 1, 4, 2, ठीक है, फिर ले लो 2, 2, 4, 1, 2, 1, 4, फिर हमारा हो सकता है 4, 1, 2, 4, 2, 1, ये 6 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। और हम लोग जरा वो भी लिख लेते हैं साइड में देखने के लिए, क्या क्या पेयर्स वैलिड होंगे, क्या क्या नहीं होंगे वैलिड, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस डी प्लस, ठीक है, और ई प्लस एफ प्लस जी, जी प्लस एच प्लस आई, ओके श्योर, ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये
गाइस ऐसा हो सकता है कि शायद बीच में मीटिंग बंद हो जाए, क्योंकि हमने थोड़ा पहले स्टार्ट कर दिया था हमने, तो फिर से कनेक्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं उसमें। ठीक है, अगर मीटिंग क्लोज होती है तो बाद में फिर से कर लेंगे। चलो ठीक है, लेते हैं ये 13 हो गया, सब ठीक है। अब देखो, अब पहला केस लेते हैं, सी और ई है, ठीक है। हाँ, सो एज वी कैन सी दैट सी ई एंड जी है, और 1 2 ये यहाँ पे 1 2 4 है, तो वी विल टेक 1 by 1 केसेस, और ऑल द केसेस वी विल टेक 1 by 1, ठीक है। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ सी एंड ई। अब इफ यू विल पुट सी एंड ई हियर, देन यू कैन सी दैट डी इज 10, ओह सॉरी, या सो हियर डी इज 10, बट डी इज नॉट अलाउड, डी 10 इज नॉट अलाउड बिकॉज वी आर हैविंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 ओनली। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो डी, ये वाला केस गया हमारा, 1 2 वाला केस, ये वाला केस हमारा चला गया, क्योंकि ये अलाउड नहीं, सी और ई नहीं हो सकता है, क्योंकि डी 10 आ जाएगा वरना। ओके, डी विल बी 10 इन दैट केस, एंड इफ 1 2 and 4 इज नॉट अलाउड, देन वी कैन से दैट 2 1 and 4 इज ऑल्सो नॉट अलाउड, क्योंकि सी एन ई इज 1 2 and 2 1, तो ये दोनों केस आर ऑमिटेड। ठीक है, नाउ लेट्स चेक 1 2 1 4 and 2। सो 1 4 and 2 इन व्हाट वी कैन चेक इज 1 and 4 सी एन ई को देते हैं, सी एन ई इज 1 and 4, सो डी विल बी 8। सो लेट्स राइट अगेन, यहाँ पे वी कैन राइट द सीरीज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग दिस केस नाउ। सो 1 and 4 वी हैव सी एंड ई, सो 1 and 4 सी एंड ई हो गया, एंड वी हैव डी, व्हाट विल बी डी, डी विल बी 8, ठीक है, डी विल बी 8, एंड इन दिस केस व्हाट विल बी जी, जी विल बी 2, सो जी विल बी 2। ओके, नाउ लेट्स फाइंड एफ, सो वी हैव ई एंड जी, we have a and g is 6, so f will be 7, f will be 7, okay, f will be 7, now what numbers are left, let's check, 3, 5, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, okay, these four numbers are only left, and a, b, h, I are left, so now let's check about g, h, I first, so g, h, I, we have g as 2, G has 2, and so H plus I will be 11, and 11 can be found by 5 and 6, okay, so 5 and 6, so 5 and 6 will be there, but numbers can interchange, so H can be 6 as well as 5, in same way I can be 5 as well as 6, okay, clear till here, yahan tak clear hai, cool. So now we are left with A plus B, and we know that C is, what is C? C is 2. Okay, so wait for a second. A plus B, we are taking, yeah, sorry, G is 2, not C. C is 1. So A plus B will be 12. So 12 we will get from 9 and 3. 9 and 3 se mil jayega na? So 3 and 9. Same way, A can be 9 as well as 3, and B can be 3 as well as 9. So this is the case. So here the case, this is valid. Similarly, let's check for 2, 4 and 1. Now again, in 2, 4 and 1, we will check E plus G is 5. C plus G. E plus G is 5. So EG 5, F is what? Say F will be 8 in this case. F will be 8. C and G is 2 and 1. 2 and G is 1. Okay? Ye ho gaya. So now let's check for ये कौन सा किया हमने, हाँ C, F and G, ठीक है, so now let's check for G, H and E, F, G, E and G is what, 5, F is 8, we are done with this, C, D and E is left now, so C will be what, we can check कौन सा pair ले सकते हैं हम लोग, अब C और E ले लें, हाँ C ले लेंगे, C और E ले लेंगे, 6,
So f will d will be 7. So in this case d will be 7, ठीक है, d 7 हो जाएगा, 2 2 7 8 1 हो गया, ठीक है. नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट, e e हमारा हो जाएगा f, हमें दिया हुआ है f और g, f g 9 है, e हमारा क्या है, एफ एन जी इज 9, ई विल बी 4. इट रिक्वायरमेंट जरा कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 2 4 एंड 1. हाँ, ई 4 रहेगा, ठीक है. सो 2 7 4 8 1 ये हो गया. नाउ अगेन अब ए और बी रह गया है, अब देख लेते हैं क्या क्या रह गया है. 3 3 हो गया, 4 5 हो गया, 5 रह गया है, 6 रह गया है, 7 8 एंड 9. अगेन दीज नंबर्स आर लेफ्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ए प्लस बी. सो यहाँ पे सी हमारा क्या है, सी इज 2, तो ए प्लस बी विल बी 11. 11 आएगा 5 और 6 से, ठीक है, 11 आएगा 5 और 6 से. और अब बचा हमारा पास ये एच और आई. एच और आई हो जाएगा इस केस में क्या, 5 और 3 और 9, 3 और 9. तो ये दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है. तो गैस ये हो गया केस, ये वाला केस हो गया, कौन कौन सा केस गया था, ये वाला केस हो गया, ठीक है. और अब ये देख लेते हैं ना, 2 1 4 वाला सी और ई. अब देखो सी और ई यहाँ पे क्या है, सी और सी एंड ई इज 3, सो डी कैन नॉट बी 10. सो ये वाला केस गया, गॉन सी एंड ई केस. सिमिलरली 2 1 1 2 केस भी जाएगा, 1 2 केस चला गया था पहले ही, ठीक है. ये वाला केस बचा है, अभी हम लोगों ने ये दोनों केस किए हैं. और ये 4 1 ई एन जी, ई एन जी इज, यू कैन सी हियर, ई एन जी इज 3, तो एफ 10 नहीं हो सकता. ये भी गया, ई एन जी हैज गॉन, और ये 2 एंड 1 ये भी गॉन. सिर्फ दो ही केस बचे हैं, हम लोग के दो केस आ गए हैं. तो हम लोग का ये क्वेश्चन के सॉल्व हो गया, बस आंसर्स निकाल लें वहां पे हम लोगों को. सो गाइज आप बताओ कोई डाउट है क्या, एनी डाउट. ठीक है चलो फिर अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, बट हमें लगता है कि टाइम शायद खत्म होने वाला है, 2 मिनट बचे हैं. तो अगर टाइम खत्म हो जाता है सो वी कैन स्टार्ट अगेन, ठीक है, क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस, क्योंकि वी वी कैन नॉट यूज एनी शॉर्टकट आई गेस, बिकॉज कोई भी केस छूटना नहीं चाहिए, ये भी केस छूटे तो आंसर गलत हो जाएगा हम लोग का, ठीक है. सो वी शुड डू लाइक दिस ओनली आई गेस. एंड एल आर कोई शॉर्टकट नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन. सी ई एन जी इज 1 एंड 2, ई एन जी 1 एंड 2 है, एंड यू कैन सी हियर, ई एन जी 1 एंड 2 वी विल पुट, देन एफ विल बी 10. एफ कैन नॉट बी 10 बिकॉज नंबर्स आर फ्रॉम 1 टू 9. ओके, दैट इज वाई दिस केस हैज बीन ऑमिटेड. और इसीलिए ई जी हट गया तो जी भी हट गया है, क्योंकि 2 एंड 1 यहाँ पे भी आ रहा है, तो फिर हटेगा. क्लियर हो गया अनु, ठीक है. चलो फिर अब क्वेश्चन में चल लेते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, सो वी कैन सी ई की वैल्यू क्या आई है. ओके गाइस, कुछ आई गेस सेव नहीं हो पाया क्योंकि टाइम नहीं है. सो चलो मैंने नोट देख लेते हैं कि वैल्यू क्या थी. ओके, यहाँ पे आ गया है डायरेक्टली, थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था सर्वर में आई गेस, तो ये कॉपी इधर हो गया है, तो हमारा आंसर तो हमें मिल जाएगा, ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ई की वैल्यू 4 आ रही थी दोनों केस में, तो आंसर ई का आ जाएगा 4, ठीक है. सो ई का 4 आ गया. और व्हाट इज सम ऑफ सी एन जी, वो तो पहले ही निकाल लिया था हम लोगों ने, सी एन जी का सम निकाला था हम लोगों ने. आगे ये सी एन जी निकाला था 7, ठीक है. सो ये आ गया 7, ठीक है. और हाउ मेनी डिफरेंट सम्स ऑफ ए डी एफ एंड आई आर पॉसिबल, ये एक अच्छा क्वेश्चन है. ए डी एफ आई के सम्स कितने पॉसिबल हैं. सो देखो यहाँ पे क्या है कि अब देखो ए डी एफ आई, डी और एफ का हमें फिक्स है, डी एंड एफ का 8 प्लस 7 हो चाहे 7 प्लस 8 हो 15 ही आएगा,